तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये मैं UMT सपोर्ट के ऊपर टॉपिक लेकर गया हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, UMT सपोर्ट जो था, जितने भी सारे यूजर लोग जो यूज कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारे नए लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब UMT सपोर्ट को यूज करते थे तो वो खुल नहीं रहा था। अच्छा, पहले जो हमारा UMT सपोर्ट यूज होता था वो 2.0 था, अब ये अपडेट होकर के 2.1 हो गया। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अगर उन्होंने UMT को परचेस किया है या नई UMT को यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद वो उनका सेटअप खुलते नहीं है, उनका सपोर्ट नहीं खुलता, कहीं ड्राइवर नहीं मैच होता, कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो मतलब अगर डोंगल को आप यूज कर रहे हैं तो इस डोंगल को यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं इसका आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस डोंगल को यूज करेंगे, इसके माध्यम से कैसे मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करेंगे, यह डोंगल को कैसे यूज किया जाएगा, उसका तरीका आज मैं दोस्तों आपको सिखाने वाला हूं, और जो नया अपडेट आया है उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में सभी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, और हम आपको बताते हैं कि क्या चीज अपडेट आई है, उसके बारे में एक एक करके सिखाते हैं। इससे पहले, जैसा कि मैंने योफाई के बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ था, कम से कम मैंने 15-20 वीडियो डाला हुआ है एक एक करके, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने सीखा है। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि एक लोग तो मुझे कमेंट किया कि सर, मेरा योफाई मैंने खरीदा था और मैं ISP पिनआउट के माध्यम से सिर्फ जम्पर लगा करके उसको यूज करता था, सिर्फ ओप्पो ओप्पो का मोबाइल फोन में लॉक खोलने के लिए मैं खरीद लाया था, उसके बाद ऐसा ही बेजान पड़ा, आज तक मैंने कोई उसके अंदर IC नहीं लगाई। उसने बोला कि सर, जब से मैंने आपकी वीडियो देखा है तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे इतना सीखने को मिला है कि जो मेरे योफाई बॉक्स जो मेरा धूल मिट्टी खा रहा था, अब सर मैंने आप ही की वजह से मैंने उसको फिर से दोबारा निकाला, उसको यूज किया और उसके फीचर को समझा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसने ये भी बोला कि सर, मैं अगर आप सीखने के लिए, अगर ICO का काम है, क्योंकि मैं ICO का काम तो कर नहीं पाता, तो मैं उसके लिए ट्रेनिंग ले आऊंगा, लेकिन जितना मुझे सीखने को मिला है तो मुझे बड़ी अच्छी बात है कि मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, अच्छी बात। दोस्तों, ये सारी वीडियो हम आपको इसीलिए देते हैं ताकि अगर आपको जाने अनजाने में अगर कोई छोटी सी नॉलेज नहीं है, कोई थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज आपको अपडेट करेगी। और जो लोग ऐसे हैं, फ्रेशर हैं, या उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से ट्रेनिंग लें, फिर आप अच्छी तरीके से काम करें। चलिए, क्योंकि ट्रेनिंग हमको मजबूत करती है, हमको काम करने के लिए खड़ा करती है, और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है कि ये काम दोस्तों हो ही जाएगा, ये बात। अब चलो चलते हैं हम लोग अपने इसके ऊपर, अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, इसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप मोबाइल गुरु 4 की वेबसाइट पे जाएंगे। कहां पर जाएंगे दोस्तों, मोबाइल गुरु 4 कैसे जाएंगे। सबसे पहली बात, आपको अपने सिस्टम पे गूगल खोलना है। आपने गूगल खोल लिया, गूगल खोलने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है मोबाइल गुरु 4। जैसे आप मोबाइल गुरु 4 की वेबसाइट में चले जाएंगे, वेबसाइट में जाने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर बॉक्स सेटअप में जाएंगे। कहाँ पर दोस्तों जाएंगे, बॉक्स सेटअप में जाएंगे, क्लोज करेंगे, चार खुल जाता है वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर UMT प्रो डोंगल का ऑप्शन आएगा, आप इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर UMT सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, UMT सपोर्ट, देखिए आ रहा है ना दोस्तों, UMT सपोर्ट सेटअप। आप कहीं इधर उधर से मत जाए, यहीं से डाउनलोड करें, या तो GSM फोरम की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करें, ये हमेशा काम करेगा, एक्टिव रहेगा। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद ये आपके स्क्रीन में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ऐड खुल गया, आपने ऐड को स्किप किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखो वायरस डिटेक्टेड, मतलब वायरस ने इसको उड़ा दिया। चलिए, सबसे पहले विंडो 10 में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वायरस बंद करना भूल गए तो डिलीट करे बैठा है। वायरस प्रोटेक्शन में जाएंगे, रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद करेंगे। देखिए ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप लोग इससे देखिए इसको बंद किया, यस, और अब ये आपका बंद हो गया। हम लोग फिर अपने गूगल पे जाएंगे, गूगल पे फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, रिपेयर डाउनलोड, कंटिन्यू, फिर से डाउनलोड का लिंक खुल जाएगा, फिर से डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। ये आपके सामने डाउनलोड हो गया, पहले डिलीट हो गया था, अब नहीं डिलीट होगा।
हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड। ये जहां पर आपने डाउनलोड किया वहां पर देखिए खुल गया है। उसको खुलने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, या तो आप इसको डेस्कटॉप में जा करके पेस्ट करके वहां भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बाद सेटअप को खोलेंगे, यस करेंगे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अगर आप कहीं देखेंगे तो आपका UMT सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपका UMT सपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, ये UMT सपोर्ट का ऑप्शन लेकर गया 2.0। अगर आप इस सपोर्ट को खोलेंगे तो अभी फिलहाल नहीं खुलेगा क्योंकि हमने डोंगल को नहीं लगा रखा है, इसलिए मिसिंग स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। हम लोगों ने डोंगल को सिस्टम पे लगा दिया। ये एक बहुत बेहतरीन डोंगल है, बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर के नए टेक्नीशियन हैं उनके पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में अनलॉकिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन आ गया, अब यहाँ पर नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि बोलेगा पहले डाउनलोड करें। क्या डाउनलोड करें? 2.0 से काम नहीं चलने वाला दोस्तों, 2.1 करना पड़ेगा। 2.1 ये देखिए क्या लिखा है, 2.0। फिर आप सपोर्ट एक्सेस में जाएंगे, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, आप ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करेंगे आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करिए, उसको एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब खोल लीजिए, जैसे खोलेंगे उसको इंस्टॉलेशन पे आ जाएगा, यस आई एक्सेप्ट। देखिए 2.1 आ गया ना दोस्तों, 2.1, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इसमें 2.1 का एक अलग से अपना सपोर्ट सेटअप खुल जाएगा। क्लोज किया, देखिए ये खुल के आ गया, ये लिखा ना 2.1, मैं दोनों आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ। इसमें लिखा 2.0, इसमें क्या लिखा 2.1। तो आप कौन सा यूज करेंगे? 2.1 यूज करेंगे, तभी आप इसके जितने सारे फीचर्स हैं, जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, जितने सारे इंस्टॉलर हैं, जितने सारे ड्राइवर हैं, टूल्स, सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए ओके एप्लीकेशन ओपन, देखिए ये सॉफ्टवेयर खुल गया। जैसे सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर नई क्या चीज आई है, ऑटोमेटिक उसमें न्यू लिख जाता है। इंस्टॉलर में आप जाएंगे, क्या नया आया है वो खुल जाएगा। देखिए मीडियाटेक का नया आया हुआ 1.7 स्टार्ट, आप डाउनलोड करना चालू कर देंगे। मीडियाटेक का देखेंगे तो मीडियाटेक का इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है, मीडियाटेक 2.2। जब आप इसको अपडेट को डाउनलोड करके कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो नया हो जाएगा, वो भी अपडेट हो जाएगा। आप जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको ओपन फाइल फोल्डर में जाएंगे, मतलब इसके सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। जब इसको सॉफ्टवेयर में जा करके देखेंगे तो मीडियाटेक का कहाँ पर आ गया है, एक ये है और ये, तो ये जो दिया मीडियाटेक 1.0। अब जो नया आ गया है अपडेट है वो क्या है, 1.1। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 1.1 को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। चलो एक नया चीज अपडेट आ गया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। यस आई एक्सेप्ट, आप देखो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्या क्या अपडेटेड, मतलब अपडेट क्या चीज हुआ है, अपडेट में क्या हुआ, आइटल टेक्नो और टेक्नो V3, टेक्नो को V3 का मतलब होता है नई सिक्योरिटी, जो 2023 की नई सिक्योरिटी प्री लोडर मोड, वो सारे आ गए। कौन कौन से चिपसेट आ गए, जैसे तुम्हारे MT67, XR67, 6266, 68, ये जितने भी सारे प्रोसेसर है ना, वो सारे प्रोसेसर आपके ऐड हो गए हैं। उसके बाद ऐड स्टोरेज हेल्थ, आप मतलब स्टोरेज के हेल्थ चेक कर सकते हो। हेल्थ चेक करने से क्या फ़ायदा रहता है कि आप ये इसके माध्यम से ये पहचान सकते हो कि उस मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने से ठीक हो जाएगा या तो उसको MMC को प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऑप्शन आ गया, उस चीज़ को भी आप इसमें चेक कर सकते हो। ऐड स्टोरेज हेल्थ चेक ऑन बूट, कहीं बूट तो नहीं डेड हो गया जिसके कारण से फ्लैशिंग से नहीं फ़ोन ठीक होगा, फिर प्रोग्रामिंग से ठीक होगा। ऐड सेफ मोड फॉर्मेट, आप फ़ोन को सेफ मोड में फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐड इरेज डाटा प्लस FRP ऑप्शन दोनों एक साथ हो गए हैं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अपडेट हो गई हैं। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉल।
जैसे इन्फिनिक्स का V3 आ गया है, तो ये सब चीज़ें प्री लोडेड में आ जाती हैं, नई नई सिक्योरिटी तोड़ने के पैच इसके अंदर अपडेट हो जाते हैं, उन पैच का जो हम लोग यूज करते हैं तो उनके माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन की अनलॉकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्तों जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन में एक बात तो आप 100% अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि उसका एंड्रॉयड वर्जन ही उसकी सिक्योरिटी है। अगर एंड्रॉयड वर्जन 10 है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ गई, लॉक तोड़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर मोबाइल फोन अपडेट हो गया, 24 में आ गया, तो उसका लॉक तोड़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अपडेट वर्जन ही उसकी अपडेट सिक्योरिटी है, अपडेट सिक्योरिटी ही लॉक तोड़ने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमने इसको क्लोज किया, अब मीडियाटेक अगर देखेंगे पहले वहां था, यहां से अपडेट होकर के ही आ गया। हमने ओपन किया, जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करते ही हमारे स्क्रीन में सारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन रनिंग, एग्री, खुल गया। अब देखिए क्या प्री लोडर में आ गया। जैसे आप प्री लोडर में जाएंगे, यहाँ पर कॉस्ट में करेंगे, देखिए इनफिनिक्स V3 ये चीज बढ़ गई है। जो चीज इसमें बता रहा था ना क्या क्या चीजें बढ़ गई हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर, सारे फंक्शन के अंदर आ गया है, वो सारा चीज इसके अंदर आप दिख रहा है। आप पार्टीशन मैनेजर के अंदर जाएंगे, पार्टीशन मैनेजर के अंदर आप बूट चेक कर सकते हैं उसका था, ये सारी चीज़ों को उसको अंदर चेक कर सकते हैं, बूट चेक कर सकते हैं, बूट उसका करप्ट तो नहीं हो गया है, इन सब चीज़ों को इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए फोन कनेक्ट कराना पड़ेगा। सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर आप फैक्ट्री रीसेट, MMC ऑफिस ले सकते हैं, मेटा मोड, ये तो फिलहाल आप खास यूज नहीं इसका रह गया। आप यहाँ पर जा करके ये देखिए सेव मोड FRP ओप्पो, सेव मोड FRP, मतलब ओप्पो के लिए एक अलग से इसने ऑप्शन जनरेट करके दे दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए नए फीचर्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं और जिसके माध्यम से आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। इन्फिनिक्स के लिए अलग से ऑप्शन आ गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हमारे मीडियाटेक के मोबाइल फ़ोन दो तरीके से अनलॉक होते हैं, एक ब्रूम मोड में होता है, दूसरा प्री लोडर में होते हैं। अब प्री लोडर ब्रूम मोड हमको कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाते हैं और डिवाइस मैनेजर में जाकर के हम लोग पता करेंगे कि प्री लोडर मोड क्या होता है, ब्रूम मोड क्या होता है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशली मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, वो वीडियो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ब्रूम क्या है, प्री लोडर क्या है, ब्रूम प्री लोडर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने पीछे की वीडियो में डाला हुआ है। आप वीडियो में जा करके चैनल पर ढूंढें, वीडियो को सर्च करें, वीडियो को फाइंड करें और आपको इन सब चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको इतना अपडेटेड आपको जानकारी दिया हुआ है या इतनी सारी चीज़ों के बारे में सिखा रखा है कि आपको ये सब रिपेयरिंग करने के लिए आपको मजबूत करती हैं। और अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप ये समझ सकते हैं या आप इसको डेमो क्लास मान सकते हैं कि कैसे क्लासेस कराई जाती हैं, किस तरीके से सिखाया जाता है, या हमारा ट्रेनिंग देने का तरीका क्या है, यहाँ पर किस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ों के बारे में कैसे सिखाया जाएगा, आप कैसे लर्न करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो के माध्यम से आप जजमेंट कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और चैनल में आप ट्रेनिंग लेने से पहले दोस्तों कम से कम 15, 20, 25, 30 वीडियो देखें। वीडियो को मैंने बहुत सारा डेमो क्लिप को मैंने सीरीज डाल रखा है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आएगी तो कैसे ठीक करेंगे, मोबाइल फ़ोन में MI के मोबाइल फ़ोन में लॉक कैसे तोड़ेंगे, मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, ऐसे मैंने बहुत सारे कि जैसे मैं बहुत ऐसे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन करते थे कि सर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहता हूँ लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन डेमो लेना चाहता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आप डेमो लेने से पहले आप उतना दूर से, बिहार से, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, इतना दूर से आप डेमो लेने के लिए आओगे तो डेमो लेने से क्या, 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन के कोर्स में जब आप डेमो की बात करते हैं तो आप उसका मैंने 10, 12, 15, 20 वीडियो दिखा रखा है, तब इस वीडियो को देखें, उस वीडियो के माध्यम से आपको इतना बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और सारे चीज़ें, सारे विजन आपके क्लियर हो जाएंगे और आप आकर के फ्री माइंड होकर के आप आकर के ट्रेनिंग लेंगे। और इस बात का दोस्तों मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पर सीखने के लिए आएंगे तो बिल्कुल A to Z सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाएगा और एक एक करके सारी चीज़ें सीख करके जाएंगे ताकि आपको काम करने में और शॉप को रन करने में, अपना बिजनेस करने में, काम करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे। सर मैं इस लाइन में 18 साल में इस लाइन में ट्रेनिंग कराते कराते हो गया,
हमारे साथ में जितने सारे लोग मिलके हैं, वो हर एक बंदे को इतना अच्छे से ट्रेंड करके भेजते हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल आज तक कभी आयरन पकड़ने का काम नहीं जानता, आज तक कभी उसने आयरन नहीं पकड़ा। बहुत ऐसे बच्चे, आज तो मेरे पास एक लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि सर जी मैंने पढ़ाई लिखाई तो सब कर ली, लेकिन आज तक आयरन कहिया का काम तो हमने आज तक कभी किया ही नहीं। तो हमने बोला कि आप जैसे ही 2 दिन 3 दिन क्लास करेंगे, तो 2 दिन 3 दिन क्लास में आप ऐसे हो जाएंगे कि आयरन हॉटगन के तो मास्टर हो जाओगे। आयरन हॉटगन के मास्टर का मतलब होता है कोई महीन से महीन काम कर सकते हो, महीन से महीन टांका लगा सकते हो, कोई कनेक्टर चेंज कर सकते हो, कोई भी मोबाइल फोन में आईसी बदल सकते हो, जैक बदल सकते हो। तो ये तो जब है जब तुम 7-8 दिन में सब चीज़ों मास्टर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक जिंदगी में कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती तब तक कभी नहीं आती। अगर हमने मोटरसाइकिल लाखों खरीद ली, फोर व्हीलर लाखों में खरीद लिया, लेकिन जब तक हम उसके बारे में सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक नहीं कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अपने मन से ये हॉटगन मंगा लिया, माइक्रोस्कोप मंगा लिया, बबल रिमूवर मंगा लिया, बहुत सारा टूल मंगा लिया, लेकिन आज काम करने के मामले पे बिल्कुल बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि भाई ये समझ लीजिए, अगर आप बंदूक ले लो लेकिन उस बंदूक कभी कुछ नहीं करेगी जब तक आपको बंदूक को चलाना नहीं आएगा। अब बंदूक चलाने वाला अगर आपको नहीं आता, बंदूक चलाना आपको नहीं आता, तो कोई दूसरा आदमी आएगा आपको गोली मार के आप ही के बंदूक से भाग जाएगा, अब तुम उसको लिए बैठे रहोगे। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग सबसे बड़ी मस्त यही होती है कि हमको मजबूत करती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, हमको काम करने के लिए खड़ा करती है। काम होगा कैसे? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा देखें और भी जो इससे रिलेटेड और भी वीडियो पड़ी हैं उनको भी देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711, 6391211211। इसमें से किसी भी नंबर पर आप बात करेंगे तो आपको सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।